नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, सीमांत जनपद में सोमवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ धूमधाम से मनाई गई। जनपद के विभिन्न विद्यालयों में प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर त्रिलुंगुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिलोक मेहर की अध्यक्षता में विधायक मयूक मेहर व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कांबड़े की उपस्थिति में यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर, भुवन पांडे, दीपक लुंठी, मुकेश पंत, शमशेर मेहर, नारायण कोहली, खेमराज जोशी, सुधीर चौहान, प्रशांत भंडारी, प्रकाश देवली, कुंडल मेहर, शंकर खड़ायत, अभिषेक बोरा सहित अन्य कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू के चित्र का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोर वैली पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर निदेशक डॉक्टर उमा पाठक की उपस्थिति में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय में आयोजित हुई भाषण, कविता एवं नृत्य प्रतियोगिता के साथ ही छोटे बच्चों की जलेबी दौड़ कुर्सी में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को निदेशक डॉक्टर पाठक द्वारा सम्मानित करते हुए बाल दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद था। बाल दिवस के अवसर पर सरस्वती देव सिंह इंटर कॉलेज में भी विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा व विशिष्ट अतिथि अशोक जोकरिया, ट्रस्टी पूरन भट्ट, अभिभावक शिक्षक संघ अध्यक्ष सुनीता गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पंडित नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर डीडीहाट के अभिलाषा एकेडमी में निदेशक डॉक्टर किशोर पंत की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही पीएमएस के सहयोग से बाल साहित्य पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ प्रबंधक चंचल सिंह व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिता जोशी द्वारा किया गया। बाल दिवस के अवसर पर नेड़ा स्थित भारतीय सदन में सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह की मौजूदगी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल मंडप में भी बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरीश पांडे, भुवन पांडे सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। राजकीय इंटर कॉलेज कुंडार में बाल दिवस पर विशेष भोज का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र सिमलगैर द्वितीय में बाल दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नीमा खत्री की उपस्थिति में पंडित नेहरू के चित्र का माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। बाल दिवस के अवसर पर आदर्श विद्यालय जाजर सिंगरी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों को एक मंच में लाने के प्रयास को लेकर पूर्व सैनिक संगठन जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां शिविरों का आयोजन करेंगे। यह जानकारी देते हुए पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूक भट्ट ने कहा कि जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शिविर का आयोजन कर पूर्व सैनिकों के समक्ष आ रही नई पेंशन प्रणाली, स्पर्श सहित अन्य समस्याओं के समाधान के प्रयास करने के साथ ही उन्हें जागरूक किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों व आश्रितों से आयोजित शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के पोखरी चौपाता में रामला मंचन जारी है। रामला के 9वें दिवस मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध से लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के वध तक की लीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेंद्र खाती, चंद्रशेखर पंत, महिपाल मेहरा, मदन मोहन जोशी, गिरिजा प्रसाद जोशी सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ में जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक मयूक मेहर द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में रणवीर कंबोज मिस्टर पिथौरागढ़ चुने गए, साथ ही देवराज भंडारी को बेस्ट फिजिक और दीवान खोलिया को श्रेष्ठ पोजर के खिताब से नवाजा गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमराज बिष्ट, विक्रम गिरी, सूरी सामंत, नितिन मारखाना, प्रदीप कापड़ी, मोहन बिष्ट, भैरव कापड़ी सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ के LWS भाटकोट कन्या इंटर कॉलेज में आज जिला स्त्री विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया व पूर्व समन्वयक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस डॉक्टर अशोक पंत की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर जिला विज्ञान समन्वयक डॉक्टर विकास पंत ने बताया कि जिला स्त्री विज्ञान महोत्सव के दौरान साइंस से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के सभी विकासखंडों के 400 बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी DC सती, प्राचार्य HR कोहली, पूर्व प्रधानाचार्य RS कोहलिया, विज्ञान प्रकोष्ठ सचिव मोहन पाठक, ललित धामी, गंगा प्रसाद पंत, सुरेंद्र धामी, चंद्रदीप सिंह, अनिल कुमार, त्रिभुवन पांडे, डॉक्टर रविंद्र नरियाल, डॉक्टर विपिन पाठक, तृप्ति कुमार, नीरज जोशी, जीवन जोशी, दीपक कापड़ी, किशन पांडे, वीरेंद्र कन्याल, नीरज पाल सहित कई शिक्षक मौजूद थे। इससे पूर्व प्रधानाचार्य हेमांगिनी ने सभी का स्वागत किया। जलजीवी मेला भारत व नेपाल के रिश्तों को ऑक्सीजन देने के साथ ही दोनों देशों की संस्कृति सभ्यता के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करता आ रहा है। यह बात आज सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलजीवी मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। इस दौरान उन्होंने सीमांत क्षेत्र के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि धारचूला के एलधारा का ट्रीटमेंट, उत्तरकाशी के
वर्णावत की तर्ज पर होगा। कार्यक्रम में सीएम ने जलजीवी मेले के लिए 5 लाख देने की घोषणा करते हुए काली व गोरी नदी के संगम के सुंदरीकरण की घोषणा की। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारायण आश्रम आने वाले हैं, जिसको लेकर उन्हें आमंत्रित किया गया है। कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री यहां आएंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा संगम स्थल पर स्थित जालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उद्घाटन अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा, स्थानीय विधायक हरीश धामी, विधायक बिशन सिंह चुपाल, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, जिलाधिकारी रीना जोशी, SP लोकेश्वर सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट देवेश शास्त्री सहित कई जनप्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद थे। शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा, साथ ही जो नारायण आश्रम है, नारायण आश्रम में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आप एक बार वहां आएंगे, और उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है कि जल्दी ही वह इस क्षेत्र में भी आएंगे और हम सब लोगों से मिलेंगे। बहुत सारे भाजपा कार्यकाल में विकास कार्य केवल और केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गए हैं। आम जनता को कोरे आश्वासन देकर भाजपा सरकार केवल भ्रमित करने का कार्य कर रही है। यह बात आज विधानसभा उपनेता कांग्रेस विधायक भुवन कापड़े ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल घोषणा करने तक ही सीमित है और धरातल पर कितना काम हुआ है यह सभी के सामने है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आम जनता की उपेक्षा के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज है उसका उद्घाटन कांग्रेसी सरकार में आदरणीय हरीश रावत जी ने किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिया, लेकिन अस्पताल की मेडिकल कॉलेज की एक जो है ईंट भी अभी तक नहीं लगी। अगर हम कहें तो ये मेडिकल कॉलेज घोषणाओं में ही रह गया है। हरीश रावत जी की सोच थी कि पहाड़ में मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन सरकार बदलने के बाद भाजपा के हाथ में जब सत्ता आई है तो उसके बाद सिर्फ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो रहे हैं। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।